नरेंद्र मोदी जो संघ के प्रचारक से भारत के प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार ने हमारे विश्व प्रख्यात दार्शनिक धाराप्रवाह हिंदी वाचक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के संघ की राजनीतिक विचारधारा, जो हिंदू राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक औचित्य और भारत तथा विदेश में हिंदू आधिपत्य स्थापित करने के विश्वास को नीचा दिखा दिया। कई दशकों से संघ के वरिष्ठ बुद्धिजीवी अपने हिंदू राष्ट्रवाद के सोच पर चलते रहे, मगर उन्हें इस शताब्दी में दुनिया में तेजी से बदलती जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आई। 2014 में केंद्र में संघ की सरकार बनी और वह हिंदू राष्ट्रवाद का झंडा मलेशिया से अमेरिका तक फहराने लगी, जिसके कारण पिछले 10 साल में भारत की पहचान दुनिया में एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी देश के रूप में होने लगी, जिसको संघ या संघ की सरकार पहचानने में असमर्थ रही। पिछले 10 साल में भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP घटता गया, कोई विदेशी निवेश FDI देश में नहीं आया, विकास के नाम पर दर्जन भर सरकारी बैंक को दिवालिया कर खत्म कर दिया गया और सरकार टैक्स लगाकर देश के विकास का ढोंग करती रही, मगर संघ के वरिष्ठ विचारक तथा बुद्धिजीवी यह सब मौन देखते रहे। 4 जून को आए चुनावी नतीजों के बाद भारत में जिसकी भी सरकार बने, वह दुनिया में भारत के परसेप्शन को बदलने की ही कोशिश करती रहेगी, मगर कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत की हिंदुत्ववादी छवि, भारतीय सीमा पर भटकती आत्माएं, कोरोना से बर्बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था, रूस यूक्रेन युद्ध तथा इसराइल प्रतिरोधी ताकतों के मारकाट भारत में विदेशी निवेश नहीं आने देगा, जिसके कारण 140 करोड़ जनता का विकास दशकों तक असंभव है। पिछले 10 साल में संघ की हिंदुत्ववादी सरकार के कारण एशिया बहुत तेजी से बदला है और अब तो इसराइल प्रतिरोधी ताकतों के मारकाट ने पश्चिमी देशों के वर्चस्व को खत्म कर एशिया युग का उदय कर दिया, जिसमें भारत अकेला रह गया है। भारत विभिन्नताओं से भरा देश है, यह देश हमेशा राजा रजवाड़ों का देश रहा है, यहाँ एक विचारधारा या एक बहुमत की सरकार कभी भी सफल नहीं होगी। जब भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, वह भटकती आत्माओं को जन्म देगी। याद रखिए, इंदिरा गांधी की 1972 की सरकार, राजीव गांधी की सरकार, मोदी की वर्तमान सरकार। हमने कई बार लिखा है कि अगर ओबामा का अरब स्प्रिंग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलकर पूरे मुस्लिम जगत को बर्बाद कर देता तो मोदी भारत के सबसे कामयाब नेता होते, मगर 2015 में शाह सलमान का बादशाह बनना ओबामा ने अमेरिका को भी बर्बाद कर दिया, जिसके कारण संघ की 100 साल की विचारधारा को बहुत गहरी चोट लगी। अब तो खैर सब कुछ बदल गया है। गौर किया है, मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली औरत प्रधानमंत्री बनी है और वह भी यहूदन, अब अमेरिका की खैर नहीं है। 4 जून के चुनावी परिणाम ने संघ की विचारधारा को पूर्ण रूप से ध्वस्त नहीं किया है, मगर एक बहुत गहरी चोट जरूर लगा दी, जिस जख्म को संघ दशकों भुगतेगा। अब बहुसंख्यक समाज के बुद्धिजीवी इसका ठीकरा नरेंद्र मोदी या नड्डा पर फोड़ेंगे, मगर मेरा मानना है कि इसका ठीकरा संघ प्रमुख वरिष्ठ विचारकों और बुद्धिजीवियों पर फोड़ना होगा। मोहम्मद सीमा जमन, दस्तक लाइव न्यूज़।